सो दोस्तों, स्टार्ट अर्निंग 1000 रुपीज डेली, बट हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। गाइस, आप एफिलिएट मार्केटिंग में डेली 1000 और 500 रुपए तो कमा सकते हो इन इनिशियल डेज, मतलब शुरुआत के दिनों में। लेकिन गाइस, हर चीज जो होती है, शुरुआत जो होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1000 500 रुपए कमाना एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा ईजी है। लेकिन आपको सही चीजें पता होनी चाहिए कि इसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप ये अर्निंग कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहना अगर आप चाहते हो कि आप कुछ सीख जाओ कुछ ही मिनटों में, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज को ज्यादा सिंपल बनाया जाए ताकि सबके लिए वो यूजफुल हो सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज को सिंपल आपके सामने लेके आ सकूँ और आप भी सीख सको कि कैसे ऑनलाइन में आप बहुत ही ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके और वो भी काफी ज्यादा अर्निंग ऑनलाइन से कर सकें। और अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके और आपको कुछ वैल्यू मिल सके कि आप ऑनलाइन से कैसे अर्निंग कर सकते हो। हर कुछ टोटली फ्री है, बस आपको सीखना है और एक्शन लेना है। एक्शन इज मस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गो एंड टेक एक्शन। सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होगा, जो हमेशा मैंने कहा है, आज भी कह रहा हूं। और अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि मुझे सिंपल चीजें ही पसंद है और मैं सिंपल चीजें ही आप लोगों के सामने ला के रखता हूं। अब आपको वो लगता होगा कि अरे यार, इसमें तो कुछ दम नहीं है क्योंकि इसने कुछ कंफ्यूज नहीं किया, इसने थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं बताया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसने सिंपल बता दिया तो अरे यार, इसमें कुछ दम नहीं होगा। लेकिन गाइस, मैं बता दूं, जो भी दम आजकल चलता है वो सिंपल चीजों में चलता है। जो आपको घुमा फिरा के चीजें बताई जाती हैं वो बेसिकली आपको बस इसलिए घुमाया फिराया जाता है कि आप उनके कोर्सेज को जाके खरीदें और थोड़ा भटके ताकि उनकी मार्केटिंग ऊपर जा सके। अगर गाइस मेरी बात मानो तो जो भी आजकल पेड कोर्सेज हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। जहां आप बहुत सारी वीडियोस देख के ऑनलाइन में थोड़ा सा रिसर्च करके काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज गेट कर सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि अच्छी चीजें ढूंढ सको, यूट्यूब पे सिंपल वीडियोज ढूंढ सको, वहां से आप अच्छे से अच्छा सीख सको। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी बहुत ही ज्यादा ईजी और वो भी बहुत ही ज्यादा कम मिनट्स में। और एक चार्ट दिखाऊंगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा वो चार्ट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है वो आपके स्क्रीन पे जरूर दिख रहा होगा, आई थिंक, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको गाइस कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। इसमें आपको लिखा हुआ है ईमेल, एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग, ट्रैफिक, कमीशन, मोबाइल, ठीक है। तो गाइस, जो पीपीसी और एसईओ है इसको आप स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसका यूज नहीं करता हूं तो मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ही इन चीजों के बारे में उतना अच्छे से स्टडी नहीं करता हूं और ना किया हूं और ना इनको यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे तरफ से ये मेथड जो है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है इस समय। तो दोस्तों, यहाँ आप एसईओ की जगह आप टारगेट मार्केटिंग ऐड कर लो और पीपीसी की जगह आप ऐड कर लो सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम, ठीक है। दोस्तों, आपके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, या तो एक स्किल होना चाहिए आपके लिए, आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अगर आप अच्छा लिखना जानते हो तो आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर दो और वहां एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। blogger.com पे जाके आप इजी फ्री ब्लॉग बना सकते हो और वहां से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगिंग की एक दो वीडियोज मैंने पहले भी बना रखी है तो आप वो जाके देख सकते हो। एडवर्टाइजिंग क्या होता है गाइस? पेड एडवर्टाइज और बिना पेड एडवर्टाइज, मतलब बिना पैसे के भी एडवर्टाइज आप कर सकते हो ऑन फेसबुक। वो तरीका होता है करने का, अगर आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पहले भी दी कि हाउ टू मेक 100 रेफरल्स डेली ऑन फेसबुक, तो उसमें मैंने बताया है कि आप बिना पैसों के कैसे मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेप्थ में जाके आप वीडियो सर्च करना या प्लेलिस्ट में देखना, वहां आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि आप बिना पैसे के भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और अगर पैसा खर्च कर सकते हो तो बहुत अच्छा सोने पे सुहागा और भी तेज आपकी सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉग होना चाहिए, अगर आप लिख सकते हो तो ब्लॉग स्टार्ट कर दो। दूसरा आपको एडवर्टाइजिंग आना चाहिए। तीसरा ईमेल सबके पास होता है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग नाम की एक चीज होती है जिसमें आप लोगों को ईमेल भेज के फॉलो अप करते हो। जैसे कि मान लो, एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हो तो बार बार आप उसको फोन करते हो यार प्लीज यार मेरा काम कर दे, फिर वो भूल जाता है, फिर आप उसको फोन करते हो यार प्लीज यार काम कर दे यार इतना पैसा ले लेना। तो इसी चीज को बोलते हैं फॉलो अप और इसी चीज का इम्प्लीमेंट करते हैं ईमेल में, ईमेल मार्केटिंग जिसको कहते हैं। तो ये तीन चीज पहले आपको आनी चाहिए, इसमें से एक भी आती है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
एसईओ और पीपीसी को मैंने स्किप करने बोला है, लेकिन मैंने वहां टारगेट मार्केटिंग और एसएमएम को ऐड किया है। एसएमएम मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और लास्ट में कल भी एक वीडियो दी थी जिसमें आपको बताया था कि फेसबुक पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, हर सोशल मीडिया पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन मेरी मानो तो आप पहले किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाना जैसे कि फेसबुक और वहां मास्टरी हासिल करना और फिर नेक्स्ट पे जाना ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेंगी चीजें कि कैसे चीजें काम करती हैं। एसईओ की जगह मैंने बोला टारगेट मार्केटिंग। गाइस टारगेट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे चॉकलेट खाते हैं और मैं उसको जाऊंगा एडल्ट्स में बांटने तो वो बोलेंगे क्या चीज तू लेके आया है, फर्जी, बेकार, सड़ा, इस टाइप के वर्ड्स को यूज करेंगे वो। तो गाइस आपको अगर चॉकलेट बेचनी है तो आपको जाना पड़ेगा बच्चों के पास, और बच्चों के पास अब जाएंगे तो वो तुरंत आपके हाथ से इवन छीन के खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें चॉकलेट पसंद है। तो इसी चीज को बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। आप जैसा भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उस तरह के ऑडियंस के पास जाओ, उस तरह के ऑडियंस के ग्रुप में जाओ और उन्हें बेचना स्टार्ट करो। तो टारगेट मार्केटिंग भी आपको आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो ट्रैफिक। गाइस ट्रैफिक पेड भी होता है और फ्री का भी होता है। तो पेड ट्रैफिक जो होता है वो आप एडवर्टाइजमेंट और उनसे ला सकते हो, और फ्री जो ट्रैफिक होता है वो आप ब्लॉग से ला सकते हो, सोशल मीडिया साइट से ला सकते हो। तो ट्रैफिक भी लाना एक स्किल है, एक कला है। लास्ट में आता है कमीशन और मोबाइल। मोबाइल की जगह आप लैपटॉप और पीसी भी ऐड कर सकते हो, मतलब तीनों चीज। आपको ये चीज तो बेसिक है जो आपके पास होनी ही चाहिए, उसी से आपका एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट होगा और जो वहां से रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, उसको बोलते हैं कमीशन। तो कमीशन और मोबाइल और पीसी और लैपटॉप, ये जो मोबाइल पीसी लैपटॉप है वो एक चीज है और कमीशन आपका आउटकम है। तो ये दोनों को तो आप बेहतर ही समझते होगे। तो यहां से जो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं जो मैं आपको बताया, तो ये बताया हूं कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो इनमें से कोई एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप जाके काफी अच्छा अर्निंग कर पाओगे। ब्लॉग, अगर आप कुछ नहीं समझते हो तो ब्लॉग स्टार्ट करो, और अगर समझना चाहते हो तो एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि फेसबुक पे आपको कैसे करना है, तो आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। गाइस एक चीज मैं बता दूं, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो आप बार बार जब इन चीजों को करोगे ना तो आप खुद ब खुद सारी चीजें सीख जाओगे। और जो चीज आपको नहीं समझ में आती है नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।